सो हे गाइस, तो भाई आज मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ किया सोनेट का 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आता है 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ। तो भाई आज इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी का ट्रांसमिशन कैसा फील होता है, एंड गाड़ी में मतलब आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या गाड़ी की एवरेज है। तो भाई एक गाड़ी में आ गए आपको सब कुछ वीडियो में बताएंगे। बट एक चीज़ मैं जो स्टार्टिंग में ही ऐड करना चाहता हूँ भाई, अपनी तरफ से ये वीडियो को किया की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट भाई मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था भाई किया के साथ भाई, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। मतलब जो मैम मेरे साथ बैठी थी भाई, उनको उनका बात करने का तरीका, उनका फीचर एक्सप्लेन करने का तरीका, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने प्राइसिंग के बारे में सब कुछ बताया, वो आप आगे वीडियो में देखोगे। तो अगर आपको कोई भी किया का प्रोडक्ट लेना है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करना, मैं आप लोगों को उनका सारी डिटेल बताऊंगा, तो भाई ताकि आप भी इनसे गाड़ी ले सको। वेंटिलेटेड सीट्स हैं इस सेगमेंट में, आपको किसी भी उसमें नहीं मिलेगा कि मतलब गर्मियों में टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एयर मिलेगी सीट्स में अंदर से। बॉस की 8 स्पीकर हैं इसके अंदर, एयर प्यूरीफाई इस गाड़ी में इन्वर्ट है, ठीक है। फ्रंट सेंसर भी मिलेगा यहाँ से सर, आप लेफ्ट सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिक लग रहा है मुझे अभी। एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट है सर। पेजे की गाड़ी में थोड़ा बहुत आई थिंक ये भी होगा, बट अदरवाइज DCT में तो हमारी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है। रीजन अगर किसी कस्टमर को फुली ऑटोमेटिक लेना है तो वे इसी ऑप्शन में आता है सर। म्यूजिक सुनना चाहेंगे? हाँ, 205 का ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी जैसे स्पीड ब्रेकर आए हैं, आपने इजिली इसको मूव किया है, तो इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है कि सर ऊँची, अगर आप कहीं पर पहाड़ वगैरह पे जाते हैं या कहीं पर हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको टर्बो के साथ आपको अच्छा पावर, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सोनेट का तो सर एक साल में 1 लाख यूनिट से सेल ना, वो तो किया ने वो कर दिया कि जब वो मार्केट में आए थे तो उन्होंने मतलब सारी गाड़ियाँ ही पीछे कर दी थी। मतलब अपने सबसे पहले सेल्टोस फेर ये अभी सेल्टोस ने अपना काम किया है, सोनेट ने कितनी यूनिट बिकी होंगी मैम अब तक लगभग? इस गाड़ी कितनी यूनिट बिकी होंगी लगभग? मैंने आपको वही बताया, एक साल में 1 लाख बिक चुकी है। okay. अभी एक साल प्लस हो रहा है तो काफी, ये तो अवार्डेड 5 इसका अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छी माइलेज में अच्छी माइलेज कितनी है गाड़ी की? अगर मैं ये रेंज में चला रहा हूं, 1 लीटर टर्बो चार्ज है। हां जी, ईआरआई सर्टिफाइड इसका 14.5 की है। और अगर मुझे अभी रियल टाइम देखने तो कितनी दे रही है, मुझे कहां से देखूं मैं इसमें रियल टाइम जो माइलेज अभी मुझे दे रही है तो कहाँ से देखूं मैं? सर वो तो हमें ट्रक करके चलना था ना, तब हमें पता लगता। okay, जैसे वहाँ से अगर सपोज करो आपने पेट्रोल फिल कराया, लेकिन मैं बता रही थी माइलेज इसमें आती कितनी है। एग्जैक्ट इसमें आपको 11-12-13 तक की मिल जाती है सर। अगर मैं इसको नॉर्मली चला दूं, जैसे मैं अभी इसको चला रहा हूं, जैसे आप सिटी पे जैसे आप चला रहे हैं सर इसमें, ठीक है। अगर डेफिनेटली अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो वो 14+ देगी आपको। यूटर्न लेना कितनी है? 14.5। हमारी 11-12 तो सर सेल्टोस दे देती, जबकि उसका इंजन हैवी है, ये तो और देगी आपको। पेट्रोल में भी DCT आती है ना सर, पेट्रोल में DCT के आने के बावजूद भी सर वो हमारी 11-12 का फीडबैक दे रही है, तो और अच्छा देगी सर। जैसे कि अगर मुझे इसके मैनुअली गियर शिफ्ट करनी है तो? मैनुअली करनी है तो सर आप इसको राइट लेके जाएंगे सर, आप जैसे स्पीड के अकॉर्डिंग ये 2 शो कर रहा है, मतलब 2 स्पीड पे चल रही है, तो ऐसे ही आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसको 7 स्पीड तक लेके जा सकते हैं, तभी इसका नाम 7+ DCT है, मतलब ड्यूल क्लच। हाँ, तो मतलब ये 7 तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको मैनुअल ड्राइव करना चाहिए तो जस्ट लाइक आपको 7 स्पीड तक आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मुझे गियर चेंज करना तो मैं इसको कर दूं? आगे नहीं करना है सर, ये देखिए सर ये आगे पीछे ऐसे होगा सर। हाँ जी, अब जैसे आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो तीसरे से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब स्पीड ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये 7 तक ये निकाल सकती है सर। गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी ने सेंस किया है कि आप तीसरे गियर तक इसको भी लेके जा सकते हैं अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब जब मैंने गियर शिफ्ट किया तो गाड़ी में कोई जर्क नहीं है? जर्क नहीं सर, DCT टेक्नोलॉजी में जर्क का कैसे आएगा? जब मैंने इसको गियर चेंज किया बट अभी मुझे पता भी नहीं लग रहा कि गाड़ी में गियर चेंज, बस मुझे यहां से पता लग रहा है। तो DCT सर वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल में एक अच्छी टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिक की, जिसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ से सर आप सर्विस लाइन से ले लीजिए।
ये अपशिफ्ट तो नहीं करेगा जब तक मैं नहीं करूंगा इसको अपशिफ्ट। नहीं सर, वो तो आप जब जो आपकी मूवमेंट होगी अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपशिफ्ट करना चाहे, अब इसको डी पे वापस ले आइए ना सर, ये वाला मोड जो डी पे ले आइए वापस। सर डी पे इसलिए किया कि क्योंकि ये वाला पोजीशन जो मैनुअल का है, नॉर्मल जब कस्टमर हाईवे में गाड़ी लेके जाता है वो मैनुअल ड्राइव करने के लिए ओवरटेक करने के लिए कोशिश करता है तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर कस्टमर ऑटोमेटिक क्यों ले रहा है? ऑटोमेटिक तो इसीलिए ले रहा है कि वो उसको इजी टू ड्राइव चाहिए, उसको जर्क फील ना हो, कन्वीनियंस फीचर्स हो, फैमिली गाड़ी मैंने एक बुक कराता हूँ तो कितनी वेटिंग है इस गाड़ी की? सर इसकी वेटिंग टाइम पीरियड 24-25 वीक्स की चल रही है सर। वीक्स की चल रही है, हो सकता है कि ये सर मार्च तक थोड़ा रिजोल्व हो जाए सर, तो अगर हो जाएगी तो आपका रिड्यूस भी हो सकता है सर, तो आपका बेस्ट टाइम यही है। मिनिमम आप मुझे अगर मैं बुक कराता हूँ इस गाड़ी को तो मिनिमम आप मुझे कितना टाइम दो, कितना टाइम? नहीं नहीं सर, हम सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे ऑफिशियली, जो हमारा जो वेटिंग टाइम पीरियड रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी, अगर कोई स्टॉक में गाड़ी आ जाती है तो हम आपको जरूर कॉल करेंगे, सर आपकी गाड़ी हमें ये मिल गई है सर। सो गाइज यही था आज की वीडियो में भाई, अगर आपको कोई डाउट है तो भाई नीचे मुझे कमेंट में पूछे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई, जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा भाई वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज बस यही था आज की वीडियो में, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।